का खुलासा करने में मुलायम सिंह को 3 साल का वक्त क्यों लगा, वो भी तब जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव करीब आ गए हैं। क्या कोई बड़ा सियासी गठजोड़ होने जा रहा है? क्या नेताजी लखनऊ से दिल्ली जाने वाली गाड़ी को वाया उत्तराखंड लेकर जाना चाहते हैं? देहरादून से राहुल सिंह शेखावत के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। सीधे लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। रविदास मेहरोत्रा जी, जो गाड़ी है मुलायम सिंह जी की, जो साइकिल है जिसे वो लखनऊ से दिल्ली लेकर जाना चाहते हैं, क्या वाया देहरादून जाएगी? देखिए, पूरे देश के अंदर ये माहौल बन रहा है कि तीसरे जो मोर्चा है सरकार उसकी बनेगी और माननीय मुलायम सिंह जी देश के प्रधानमंत्री होंगे अगले। वो गाड़ी चलेगी उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से पूरे देश पहुंचेगी। हाँ। और दिल्ली पर कब्जा होगा और दिल्ली में अगली सरकार मुलायम सिंह जी अगुवाई बनेगी। तो जो तिवारी जी साथ होंगे जी भाई, जब उत्तराखंड गाड़ी पहुंचेगी साइकिल, तो वहां से फिर तिवारी जी को भी बैठा लेंगे क्या साथ में? देखिए, ये बात सही है, ये बात सही है कि तिवारी जी के साथ घोर अन्याय हुआ है, उनकी उपेक्षा हुई है और जो है इतना बड़ा नेता 88 साल की उम्र में जो है उनकी उम्र हो गई है और 4 साल पहले जब उनकी उम्र थी 84 वर्ष, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए वो झूठे आरोप लगाए गए और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कभी भी न कोई जांच कराई और उनको निकाल करके बाहर करने का काम किया। आपका जवाब हाँ समझू मैं? ये हाँ ही है, बोगे प्यार भरी हाँ है जी। टिकट उनके नाम की बुक हो गई है, मतलब आपकी गाड़ी में। एनडी तिवारी जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार रहे उत्तराखंड में, केंद्र में कई बार मंत्री रहे और इतना बड़ा नेता जो है उसको 3 साल जो है वो संन्यास लेना पड़ गया कांग्रेस पार्टी के कारण से, उनकी घोर उपेक्षा हुई है और बिना किसी जांच के ऊपर साजिश करके उनके साथ जो है षड्यंत्र किया गया। अविकल थपलियाल जुड़ गए हमारे साथ, हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। अविकल थपलियाल साहब, क्या माना जाए कि माननीय तिवारी जी हाथ का साथ छोड़कर साइकिल में सवार होंगे, वो साइकिल जो लखनऊ से उत्तराखंड आएगी उनको बैठाएगी फिर दिल्ली जाना चाहती है? मुझे नहीं लगता ऐसा कि वो सपा का साइकिल पकड़ेंगे। हाँ। और इसकी संभावना भी नहीं है। हाँ। लेकिन ये उम्मीद जग रही है कि तिवारी जी अगला चुनाव नैनीताल से लड़ सकते हैं निर्दलीय, और उनको किसी टिकट की भी जरूरत नहीं है। हाँ। अगर उनको कांग्रेस टिकट नहीं भी देगी। हाँ। तो जैसी वहां से मांग उठ रही है, कुछ दिन पहले उनके घर पे नैनीताल के क्षेत्र के लोग आए थे। हाँ। और उनको निर्दलीय लड़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो जो आज जन्मदिन पे उनकी रौनक आपने देखी है, जिस रंग में वो थे, जिस मौला अंदाज में वो थे, तो उससे लग रहा है कि तिवारी जी का अगर ये अंदाज बरकरार रहा और इसी अंदाज में अगर वो 2-3 महीने में कुछ ना कुछ विस्फोट करते रहे, ये गीत अपने गाते रहे, तो कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में कम से कम मुश्किल खड़ी हो सकती है जी। कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। रशीद मसूद साहब, अगर मस्तमौला अंदाज में गीत गाते रहे तिवारी जी, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि पूरे देश के तुलना में उत्तराखंड में कोई बहुत बड़ी सीटें नहीं है, सिर्फ 5 सीटें हैं। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहनी पड़ रही हैं। आज जन्मदिन था तिवारी जी का और क्योंकि मेरे से ताल्लुक एक मेरे पिताजी से भी था, मेरे से भी था, जो कहनी देनी चाहिए थी लेकिन मुझे कहनी पड़ रही है वो, क्योंकि अग्निहोत्री साहब ने उस तरफ इशारा कर दिया कि तिवारी जी ने आज तक कभी पार्टी छोड़ी नहीं। शायद अग्निहोत्री साहब भूल गए कि तिवारी जी ने पार्टी को स्प्लिट करके एक तिवारी कांग्रेस भी बनाई थी जो फ्लॉप हो गई और बाद में फिर दोबारा मर्ज हो गई कांग्रेस के साथ। नंबर 2 बात यह कि उनके कोई कांग्रेस पूछता नहीं, ये भी बिल्कुल बेबुनियाद बात है। तिवारी साहब ने जिन टिकटों पर इस असेंबली के इलेक्शन में, क्योंकि मैं उसका एक खुद गवाह हूं, हाथ रख दिया कि टिकट लेना है, वो टिकट कटा नहीं और उनको भी टिकट दिलवाया जिनके ऊपर आज शक किया जा रहा है कि उन्होंने उनके साथ साजिश की है। वो टिकट किसी और का नहीं था, वो नरेंद्र तिवारी जी का ही दिलवाया हुआ था। अब षड्यंत्र अगर हो सकता है तो हो सकता है कि आपसी लोगों को कहो, वहां के लोगों को कहो, तिवारी जी के साथ रहने वाले को कहो, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इसको जनपद को भी इसमें खींचने की कोशिश की जा रही है, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। और रहा जहां तक सवाल कि तिवारी जी का साइकिल मुलायम सिंह जी, तो ये बात बिल्कुल 101% आप लिख लीजिए, कोई सरकार हिन्दुस्तान में कांग्रेस और बीजेपी के बगैर बनेगी, या तो बीजेपी के साथ बनेगी
या कांग्रेस के साथ बनेगी। थर्ड फ्रंट के नाम की कोई चीज कभी नहीं बनेगी, इसलिए कि 35 साल 37 साल बल्कि मैं थर्ड फ्रंट का हिस्सा रहा हूं और 5 सरकारें हमने बनाई हैं। 77 में हमें 300 वोट लेकर आए एमपीज और हम 2.5 साल सरकार नहीं चला पाए। 90 में हम करप्शन के इशू को बनाया, इतना बढ़ाया कि पूरा हिंदुस्तान लगा कि आग लग गई है। इसीलिए आप कांग्रेस में आ गए, सरकार बनी और 11 महीने हम सरकार चला पाए। इसीलिए आप कांग्रेस में आ गए। 98 तक 3-4 प्रधानमंत्री बदले हमने और तीन इलेक्शन कराए। मैं कांग्रेस में, यह भी एक वजह है, लेकिन कांग्रेस में अगर आप कहें इस इशू पर, तो मैं यहां भी बता सकता हूं कि मुझसे कुछ वादे थे समाजवादी पार्टी के, जब वो वादे पूरे नहीं हुए तो मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। तो मैंने छोड़ी थी उस वक्त। एक बात कहना चाहूंगा, मसूद साहब ने एक जिक्र किया कि शायद मैं भूल गया। नहीं, मैं भूला नहीं। मसूद साहब तब दूसरी पार्टियों में थे। मैं नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह दोनों के साथ अपने पूरे होशोहवास में सक्रिय था, एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर, और दोनों के साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता था। और रशीद साहब उसके गवाह नहीं है, मैं गवाह हूं। जब यहां पार्टी टूट रही थी, नटवर सिंह, वीरेंद्र सिंह, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, मोहित नागिन भाई, शीला दीक्षित एक एक प्रस्ताव से पहले 10 जनपद जाते थे, 2 लोग दौड़ के, वहां से एक मैसेज आता था, फिर अगला प्रस्ताव मूव होता था। मैंने पूरी प्रोसीडिंग देखी मसूद साहब, इसलिए मैंने कहा कि तिवारी जी की निष्ठा फर्स्ट फैमिली के प्रति हमेशा अक्षुण रही। वो सोनिया गांधी के जितने लॉयलिस्ट थे, ये वो उनका डिपार्चर था उस वक्त की कांग्रेस से, और उस डिपार्चर को 10 जनपद की ब्लेसिंग हासिल थी। जब 10 जनपद ने कमान संभाली, उसके बाद जितने लोग डिपार्ट हुए थे वो सब लोग महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे। मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करता मसूद साहब, और कम से कम 25 वर्ष की राजनीति मेरे आंखों में घूमती है। ऐसे इशू उठा रहे हैं कि जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं हुजूर, 25 वर्ष की राजनीति भारत की मेरे दिमाग और आंखों में रहती है, मुझे लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ती रशीद साहब। इन तथ्यों का जवाब कोई वही आदमी दे सकता है। मैंने लिया ना, इसीलिए मैंने मुझे बात बोलनी पड़ी। जो चीज माखनलाल पोतेदार, नटवर सिंह, शीला दीक्षित, जी हमारी बात भी सुन लीजिए आप। नहीं, आपकी बात मैं काट नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे अरे मैं आप सुन तो दूसरे के तो सुन लीजिए। मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूं, इसलिए नहीं काट रहा हूं कि मैं उसका साक्षी नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम है, मैं कांग्रेस में नहीं था। जो लोग थे वही इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी इस बात का कहा कि कभी नारायण दत्त तिवारी जी ने पार्टी नहीं छोड़ी। आप मैंने ये बताया कि नारायण दत्त तिवारी फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस बनाई थी। मैंने ये भी कहा था सरकार कि फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस के साथ उनकी लॉयलिटी हमेशा रही। अर्जुन सिंह से ज्यादा कोई लॉयल हुआ क्या कांग्रेस में? अर्जुन सिंह भी उसी पार्टी में थे, तिवारी जी अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुन सिंह थे। 10 जनपद का उनसे ज्यादा लॉयलिस्ट कोई रहा क्या? अपनी पार्टी को तोड़ने के लिए आगे बढ़ाएगा किसी को? वो मनमोहन सिंह जी की बहुत इच्छा न होने के बाद भी लगातार मंत्री रहे। मैं बता रहा हूं कि मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं, इसलिए कि कोई अपनी पार्टी को तोड़ने को नहीं कह सकता है। आप, मैं ये बता रहा हूं ना आपको कि ये इसके आप गवाह हो सकते हो, मैं तो गवाह तो नहीं हूं, तो मैं कैसे आपकी बात को सच कर दूं? नहीं, आप सच मत करिए। मुझे जो कहना था कह दिया और उसके बाद की घटनाएं गवाह है। अर्जुन सिंह महत्वपूर्ण पद पर आए, नटवर आए, शीला आई। आप कहते तो हैं, सुनते नहीं अग्निहोत्री जी। सर मैं सुन रहा हूं आपको। अग्निहोत्री जी आप कहते हैं सुनते नहीं है, ये सबसे बड़ी परेशानी की बात। सुन रहा हूं मसूद साहब, आप कहते रहिए, चलिए मैं एक दफा आपकी बात सुन लूंगा, तब मेरी सुन लीजिएगा। बोलिए मसूद साहब, बोलिए जी। मैं ये कह रहा था कि मैं उसका गवाह कैसे हो सकता हूँ, ये बताइए। मैं आपसे गवाही, आप गवाह जो लोग उसने आपने इतने नाम लिए हैं उनको किसी से आप करवाइए कि हाँ साहब ये सर। मगर मैं इस बात से इत्तफाक बिल्कुल नहीं करता हूँ, सुनिए, मैं इस बात से इत्तफाक बिल्कुल नहीं करता हूँ, और कोई भी पॉलिटिकल आदमी इस बात से इत्तफाक नहीं करेगा कि कोई पार्टी के आदमी, बड़ा आदमी जो पार्टी को चलाने की क्षमता रखता हो, जिसकी लीडरशिप इस्टेब्लिश्ड हो, वो अपनी पार्टी को तोड़ने की साजिश रचेगा। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूं, आपसे माफी के साथ। आप मत इस बात करिए, लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा रशीद साहब, उस वक्त के प्रधानमंत्री और 10 जनपद के बीच संबंध असामान्य थे, और असामान्य के 10 नजीरे कभी व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलूंगा तो आपको दूंगा, या टेलीविजन पर नहीं दूंगा। मैं 10 घटनाएं गिना दूंगा कि उस वक्त का 7 RCR और उस वक्त का 10 जनपद, उसके बीच में क्या तनाव था।
जी अतुल जी, चलिए चर्चा को दोबारा से अपने मुद्दे पर लेकर आते हैं। सुरेश जोशी जी, पूरी चर्चा सुनी आपने, जो कांग्रेस के जो नेता हैं रशीद मसूद साहब, उनका और अमिताभ जी का संवाद के अलावा, उसके अलहदा अगर मैं आपसे ये कहूं कि साहब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उससे कांग्रेस को झटका लगेगा, कांग्रेस ही ये मानने को तैयार ना हो, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है? और तिवारी जी का जो प्रेस नोट है जिसमें बताया तिवारी जी के दस्तखत हैं, जो मैं यहां पे लिए मौजूद हूं इस वक्त, वो ये बांधी है कि साहब कांग्रेस से तिवारी जी खुश नहीं है, ऐसे में आगे क्या हो? नहीं, तिवारी जी ने उस पत्र के माध्यम से अपने साथ जो घटित हो रहा है उन भावनाओं को कहीं कहीं प्रदर्शित किया है। और सबसे बड़ा विषय तो यह है कि जो तिवारी जी ने कविता पढ़ के सुनाई और जिसको हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे, कविता तो वो रिलेटेड थी, अपने आजादी से रिलेटेड कविता थी, लेकिन उस कविता को जो आज के अपने ऊपर उनकी बीत रही है उसको कहीं कहीं उन्होंने परिलक्षित किया है उस कविता को। और उससे मुझे ये लगता है कि भाई तिवारी जी के अंदर कितनी बड़ी व्यथा है, कितनी बड़ी पीड़ा है। और ये स्वाभाविक भी है कि भाई जिस व्यक्ति के द्वारा इस देश की राजनीति को एक अहम ओहदे पर ले जाया गया हो, और जैसे अभी अपने अमिताभ जी कह रहे थे जिस बात को अग्निहोत्री जी, ये वास्तविकता है कि भाई तिवारी जी ने, अगर गांधी फैमिली की बात करें, गांधी फैमिली के प्रति भी उनकी जो लॉयल्टी रही है और उसके साथ साथ जो देश के प्रति उनकी लॉयल्टी रही है और कांग्रेस के प्रति उनकी लॉयल्टी रही है। अगर उन्होंने, जैसे मसूद साहब ने कहा कि भाई उन्होंने पार्टी छोड़ी, पार्टी किन परिस्थितियों में छोड़ी और क्यों छोड़ी, और उस पार्टी में छोड़ने वाले तिवारी जी अलग नहीं थे। उस पार्टी की अगर बात करेंगे, बहुत अच्छी बात अभी अग्निहोत्री जी ने रखा, बहुत बड़ी बहस का विषय वो हो जाएगा कि जो कांग्रेस के थिंक टैंक थे, जो कांग्रेस को चलाने वाले लोग थे, एक तरफ से आप कह सकते हो तिवारी कांग्रेस नहीं थी, वो असली कांग्रेस ही हो गई थी जिस तरह से तिवारी कांग्रेस बनी थी और वो उस समय की परिस्थितियां थी। लेकिन उस बात पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन आज की जो चर्चा, जो आपने आज की चर्चा और जिस बहस को आपने आगे बढ़ाया है, निश्चित तौर पर एक तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई तिवारी की जब जब कांग्रेस को जरूरत होती है तब वो तिवारी जी के बारे में कहते हैं कि भाई तिवारी जी हमारे विकास पुरुष हैं, तिवारी जी हमारी पार्टी के सर्वोत्तम नेता हैं, तिवारी जी हमारी पार्टी के सबसे योग्य नेताओं में देश के उसमें शुमार होते हैं। लेकिन अभी भी जब चुनाव हो रहा था 2012 का, मैं वो परिदृश्य में आपको ले जाना चाहता हूं जब तिवारी जी को पकड़ पकड़ करके हल्द्वानी की सड़कों में घुमाया जा रहा था, रोड शो निकाल रहे थे, और जब तिवारी जी चल रहे थे, मैं अपने आंखों देखी घटना आपको बता रहा हूं, तो उस समय जो है कि हजारों लोग जो है कि तिवारी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए या उनके दर्शन के लिए उमड़ रहे थे। ऐसे करके तराई के जिन जिन क्षेत्रों में मैं कहता हूं कि तिवारी जी गए हैं वो अपार भीड़ मिली, लेकिन उस समय तो तिवारी जी की कांग्रेस को जरूरत थी। अगर आज अगर तिवारी जी को कांग्रेस की जरूरत है तो तिवारी जी को कांग्रेस अपना पराया कर रही है, तो ये जो राजनीति कांग्रेस की यूज है। अग्रवाल साहब, मेरा सवाल सीधा से ये है कि आज तिवारी जी का जन्मदिन है, क्या ये अच्छा ना होता कि तमाम तरह के बयानबाजियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा मंत्रिमंडल, तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो तिवारी जी के पास जाते और जो उनके लिए एक पितृ पुरुष जैसे जो एक व्यक्ति हैं, बाकायदा उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें एक पुष्प गुच्छ भेंट किया जाता और बोला जाता कि मान्यवर तिवारी जी, आप हमारे पिता तुल्य हैं, इस प्रदेश के गठन में आपने बड़ी भूमिका निभाई है और आपको आपका जन्मदिन मुबारक। कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, मेरा पूरा कैमरा और मेरे चार रिपोर्टर वहां रहे, किसी ने मुझे नहीं कहा कि वहां पे कोई बड़ा नेता मौजूद था कांग्रेस का। अगर ये बेरुखी नहीं तो क्या है? मुख्यमंत्री जी चले जाते तो बेहतर होता, हम भी निश्चित रूप से चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी जाएं वहां, और मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जा पाए? निश्चित रूप से भविष्य में इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह अवश्य किया जाएगा कि उनको, अरे अभी भी देश मामले में आग्रह करने की जरूरत है क्या? क्या मुख्यमंत्री जी के भीतर मानवीय संवेदनाएं नहीं है? आपके आग्रह से क्या होगा? अगर नारायण दत्त तिवारी इतने छोटे, अग्रवाल साहब अगर नारायण दत्त तिवारी इतने छोटे नेता हो गए उत्तराखंड जैसे छोटे सूबे में भी कि उनके लिए भी मुख्यमंत्री को रिमाइंड कराना पड़े, तो मैं एक चीज जोड़ता हूं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार और देश के पांच बड़े नेताओं में शुमार मुलायम सिंह यादव को यह याद रहता है क्या नरेंद्र तिवारी का जन्मदिन है? अब और मुलायम ये तरीका है, और मुलायम सिंह जी की तारीफ करनी चाहिए, तरीका है। मैं पार्टीजन नहीं बनता कभी, मैं मुलायम सिंह जी की आलोचना भी उतनी दृढ़ता से करता हूं जितनी दृढ़ता से तारीफ। मुलायम सिंह जी की तारीफ की जानी चाहिए, उन्होंने बताया कि राजनीति में सद्भाव क्या होता है। अब उनका सद्भाव निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे उसके, उनके सद्भाव का,
और ये भी याद दिलाएंगे कि मुलायम सिंह जी ने ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पंडित नरेंद्र तिवारी जी को अपमानित किया था, यदि आपको याद हो, और नहीं याद है तो अपने प्रेस के साथियों से लखनऊ में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।